करनाल की, जहां भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी थोड़ी देर में महाकुंभ में शिरकत करने पहुंचेंगे। करनाल में सांसद संजय भाटिया पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। पूरे पंडाल को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंडाल में बेहतर साउंड व्यवस्था और बड़ी बड़ी LED भी लगाई गई है। तो परशुराम महाकुंभ का आयोजन आज हो रहा है करनाल में और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मंच की तस्वीरें जहां पर रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, मुख्यमंत्री अब किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं, और दूसरी तस्वीर सुरक्षा को लेकर कितने कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं ये साफ देखा जा सकता है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं करनाल से हमारे संवाददाता कमरजीत सिंह विर्क का। कमरजीत, करनाल में मुख्यमंत्री आज पहुंचने वाले हैं, महाकुंभ का आयोजन आज हो रहा है, कितना वक्त और लग सकता है मुख्यमंत्री को पहुंचने में? करनाल में परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और तमाम तरह की जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी है। कई सांसद यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो संजय भाटिया वो पहले से यहाँ पूरे सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो रोहतक से जो सांसद है अरविंद शर्मा वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके साथ अगर बात करें तो तमाम पूरे हरियाणा से काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे इतनी गैदरिंग बढ़ती जा रही है और काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों करनाल में जब शुरू बात की थी, महापुरुषों के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो करनाल से की थी, करनाल अनाज मंडी में से की थी, जो गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल मनाया गया। तो उसके बाद कई अलग अलग प्रदेश भर के कार्यक्रम रखे गए, महर्षि जयंती मनाई गई, कश्यप जयंती मनाई गई, तमाम तरह की ऐसी जयंतियां करनाल में मनाई जा रही है। और उसके साथ अगर बात करें तो आज जो परशुराम महाकुंभ मनाया जा रहा है वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे और अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया, महिलाएं भी काफी यहाँ पर पहुंच रही है। और उसके साथ आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मंच पर जो लोक संपर्क विभाग के कलाकार है वो लगातार अपना समा बांधे हुए हैं। मूलचंद शर्मा हो जहाँ तमाम जो पंडित नेता हो वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बात कही गई थी, एक नारा दिया गया था कि एक किसी एक जाति विशेष का ये कार्यक्रम नहीं है, 36 बरादरी का ये कार्यक्रम है। 36 बरादरी का कार्यक्रम जो दिखाई भी देने लग रहा है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए, हर जगह पर जो जहां से भी लोग इंटर करते हैं उनको वहां से पूरी तरह चेक करके अंदर भेजा जाता है। तमाम तरह की तैयारियां जो वो की गई हैं, मुख्यमंत्री कुछ ही पलों में कह सकते हैं कुछ ही पलों में यहाँ पर स्टेज पर पहुंचेंगे और उसके साथ साथ कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका भी संबोधन होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अपना संबोधन देंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये अपना विधानसभा क्षेत्र है, इसीलिए वो कल यहाँ पर पहुंच गए थे। इसके साथ उन्होंने कई मीटिंगें भी की है और मीटिंगों के साथ साथ अगर बात की जाए तो जरूर निकल कर सामने है कि जो पिछले दिनों पंचायत में जिला परिषद में जो लोग जीते थे उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अब से थोड़ी देर बाद पहले मीटिंग की है और मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर अपना संबोधन देंगे। इसको लेकर बात की तो हर तरह की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है और लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कमरजीत की मुख्यमंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र और ऐसे में यहाँ की जनता का उनके साथ एक अलग ही तरह का प्यार है, अलग ही जुड़ाव है, और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये दौरा कहीं ना कहीं जो जनता है वहां की, अगर करनाल वासियों की अगर बात करें उनमें काफी ज्यादा उत्साह होगा उनके दौरे को लेकर। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो तमाम तरह के मुख्यमंत्री कल ही यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ अपनी कई समस्या लेकर लोग भी जो PWD रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री वहीं पर मौजूद थे। उसके साथ मुख्यमंत्री ने जो शादी समारोह थे 2-3 जगह पर मुख्यमंत्री ने जरूर शिरकत की है। उसके साथ अब करनाल के काफी जो लोग हैं इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के नाते लोग भी काफी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आस पास के जिलों की बात की जाए तो अम्बाला से काफी लोग पहुंचे, कुरुक्षेत्र से पहुंचे हैं, अलग अलग तरीके की अगर बात की जाए तो तमाम जो रोड है वहां से लोग कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और लोगों से जो उनके जहाँ पार्षद थे, जहाँ सरपंच बने थे, जहाँ जिला परिषद के जो लोग थे उनसे भी जरूर मुख्यमंत्री ने मुलाकात जरूर की है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आज ही कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी को डिसाइड कर लिया जाए कि आने वाले दिनों में
कौन करनाल जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा, कौन किस ब्लॉक समिति का चेयरमैन होगा, तमाम तरह की ऐसी चीजों भी जो निकल कर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री फिलहाल कार्यक्रम से पहले इन कार्यक्रम में जरूर शिरकत कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उन लोगों से कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो करनाल में मुख्यमंत्री किसी भी वक्त अब पहुंच सकते हैं और ऐसे में उनके दौरे को लेकर काफी तैयारियां की गई हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी दिखा रहे थे और लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह है।